हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या कंपोजिशन होते हैं, क्या फंक्शन है उसके, क्या ऑब्जेक्टिव्स यानी गोल क्या है उसके, मेंबर्स कितने होते हैं, कहाँ से होते हैं, कौन उसको चेयर करता है, और बिफोर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन सी कमेटी थी जो इस काम को करते थे। चलो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी हमेशा आप न्यूज में सुनेंगे हर 2 महीने पे, क्योंकि इनको ऐसा टास्क असाइन किया गया कि आपको बाई मंथली हर 2 महीने पे मार्केट में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है यानी क्या महंगाई चल रही है उसको स्टडी करना है, और उसके हिसाब से जो बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट होता है आरबीआई का, जो रेपो रेट जो एक्चुअली मेन जो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट जो जिस पे डिपेंड करता है, जो मास्टर स्ट्रोक होता है आरबीआई का, वो होता है रेपो रेट, यानी जिस पे बैंक आरबीआई से पैसे उधार में लेती है और जो इंटरेस्ट चार्ज करता है आरबीआई यानी रेपो रेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम आगे आपको सेपरेट वीडियो में दिखाएंगे कि रेपो रेट क्या है, एसएलआर, सीए, सीआरआर या रिवर्स रेपो रेट, ये सब सारे जो हैं टर्म्स ये आपको हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज सिर्फ ये आप समझो कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो होता है आरबीआई का फिक्स करने का, उसमें ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बहुत अहम रोल अदा करती है। ठीक है, ये कमेटी जो है 6 लोगों का रहता है। ठीक है, इसमें टोटल 6 लोग रहते हैं इस कमेटी में, और ये आप गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि हर 2 महीने पे न्यूज आएगी, हर 2 महीने या उससे पहले भी, और सारे रिलेटेड चीज़ों से यदि कुछ अनाउंसमेंट एमपीसी करती है तो वो न्यूज में आते रहते हैं। तो आप जनरली ये देखना कि एमपीसी का चर्चा रहेगा कि इन्होंने ये अनाउंस किया, एमपीसी आरबीआई के एमपीसी ने ये बोला है, ये बोला है। तो एमपीसी लोग समझते नहीं है, इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लिखेंगे तो इसे बहुत अधिक मार्क्स लिखेंगे कि हाँ एमपीसी के बारे में जानता है, क्या काम करती है, कैसे करती है, क्यों करती है ना, कितने मेंबर्स होते हैं, कहाँ से कौन मेंबर आते हैं, क्यों आते हैं। तो इसके कंपोजिशन हम बता रहे हैं कि 6 मेंबर्स हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से और 3 आरबीआई की तरफ से। आरबीआई भी एक्चुअली गवर्नमेंट की ही बैंक है, सेंट्रल बैंक बोला जाता है इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है जो अदर्स बैंक को रेगुलेट करती है ना, उस पर जो नकेल कसती है या उसको जो भी रेगुलेट करने में जो भी नियम और रेगुलेशंस जो है बनाते हैं, वो आरबीआई का अहम रोल होता है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन आरबीआई से 3 मेंबर्स के अलावे गवर्नमेंट नॉन आरबीआई मेंबर्स, मतलब कि 3 ऐसे मेंबर जिनका कि आरबीआई से कोई भी लगाव नहीं है, लेकिन हाँ वो 3 मेंबर जो होते हैं पूरे एकदम एमनेस्ट पर्सन होते हैं, जो कि एकदम इकोनॉमी में अच्छे तरह से नॉलेज रखते हैं और वो एक जाने माने हस्ती होते हैं इकोनॉमिस्ट के, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के वो गवर्नमेंट ने बैठा दिया कि आप चलो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर जाओ, मेंबर बन जाओ, नहीं। उनका अच्छा सा कंट्रीब्यूशन रहता है इकोनॉमी के क्षेत्र में, चाहे वो आरएनडी सेक्टर से हो या किसी इंस्टीट्यूशंस में बहुत दिन से वो काम कर रहे हो इस एरिया में, है ना। तो हम आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ से मेंबर्स, अभी जो करंट मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है उसमें कौन कौन लोग हैं। तो आप सिंपली याद रखो कि इनका काम क्या रहता है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फिक्स करना आरबीआई का। ठीक है, ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे, है ना। महंगाई कंट्रोल में करने का मतलब ये लोग एक रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को कि आपको महंगाई जो है मार्केट में इतने परसेंट ही ज़्यादा रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि अभी का जो इन्फ्लेशन रेट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड की हुई है, जिसको कि मेंटेन करना ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए, वो है 2% से 6% के बीच। ठीक है, मैंने महंगाई जो है 2% से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए,
और 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट इसको ट्राई करती है मेंटेन करने की। और जैसे ही इसके इधर उधर जाती है तो आरबीआई का जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या करता है, इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है इसको कंट्रोल करने के लिए, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, हमको बता दिए कि इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ये जो सारे रेट जो इसके इंस्ट्रूमेंट हैं इसके लिए आप अभी मत घबराओ, आप सिंपली ये समझो कि ये इंस्ट्रूमेंट के जो रेट हैं यानी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई का, उसको ये फिक्स करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि देश की इकोनॉमी सुचारू रूप से एकदम सस्टेनेबल ग्रोथ लेके चले, कहीं पे कोई ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, 6% से ऊपर ना हो या 2% से नीचे ना हो, इकोनॉमी में मनी का फ्लो ठीक ठाक बना रहे, और इन्फ्लेशन पे जो डिपेंडेंट पैरामीटर्स है आप आगे देखेंगे इकोनॉमी जब हम आपको डिटेल्स में जब ले जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट सारे इन्फ्लेशन वगैरह पे एक दूसरे से डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो आपको एक एक करके लेंगे, पहले हम आज जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे फोकस करके रखते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 गवर्नमेंट के तरफ से और 3 आरबीआई के होते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई जो कि अभी शक्तिकांत दास जैसे हैं, तो वो इसके मेंबर्स ही नहीं वो चेयरपर्सन भी होते हैं, मतलब आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो इस कमेटी का चेयरपर्सन रहेगा, ठीक है। चलो तो इसमें देखो कि हमने पहला जो पैराग्राफ लिखा उसमें लिखा है कि ये एक स्टेचुअरी बॉडी है, मतलब इसको जो है अमेंडमेंट करके आरबीआई का जो एक एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। आरबीआई जो रेगुलेट होती है वो इसी एक्ट पे होती है, वो एक्ट है 1934, यहाँ तक कि आरबीआई का जो गठन है जो एस्टेब्लिशमेंट है आरबीआई का वो भी इसी एक्ट के थ्रू किया गया है, ठीक है। तो ये आप एकदम याद रखना कि आरबीआई का एक एक्ट है 1934 जिसके थ्रू आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और ये आरबीआई एक्ट ही आरबीआई के जितने भी नियम से जितने भी रेगुलेशन है उसको रेगुलेट करती है, इसी एक्ट के थ्रू आरबीआई दूसरे बैंक को भी रेगुलेट करती है, ठीक है। तो आरबीआई का क्या फंक्शन, ये सारे कुछ इसमें डिफाइंड है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, स्टैचुटरी बॉडी, जैसे ही आप देखेंगे ना तो ये समझ लेना कि ये संविधान में कहीं ना कहीं जो कोई एक्ट है वो बना के किया गया है, ठीक है। यानी ये कोई एक्ट पास किया गया है तब जाके ये बना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही जस्ट किसी ने बोल दिया और बना दिया, नहीं, इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है ना। और वो एक्ट क्या है, वो एक्ट का बेस जो है वो आरबीआई का जो एक्ट 1934 वाला है वो बेस एक्ट है, उसमें कुछ हल्का सा अमेंडमेंट कर दिया गया, ठीक है, कुछ लिख दिया गया कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो वो जो अमेंडमेंट किया गया जो लिखा गया तो उस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं, ये जो सबसे नीचे वाला पैराग्राफ में आप देखो 45ZB वो जो सेक्शन है जिसमें अमेंडमेंट किया गया और जिसके तहत ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है ना, उस बेस एक्ट जो आरबीआई का एक्ट जो मेन एक्ट है 1934 है ना, जिसमें ब्रिटिश इंडिया होता था, जिसमें अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे है ना, वही लोग ने इस एक्ट को बनाया था कि एक सेंट्रल बैंक होगा जो क्या करेगा, अदर्स बैंक को रेगुलेट करेगा है ना, और वही हम लोग का एक्ट आज भी काम कर रहा है। हाँ, टाइम टू टाइम थोड़े बहुत अमेंडमेंट इसमें हुए हैं, जैसे कि ये अमेंडमेंट जो आप देख रहे हैं अंडर सेक्शन 45ZB सेक्शन के तहत अमेंडमेंट करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे, ये जो बीच वाला पैराग्राफ वो भी देख लो आप, इसका फॉर्मेशन उर्जित पटेल जो गवर्नर थे आरबीआई के, उन्होंने 2014 में एक रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। और ये कमेटी जो बनी थी वो आरबीआई ने अपॉइंट की थी कमेटी, और इसके चेयरपर्सन थे उर्जित पटेल, और जिसमें चेयरपर्सन बने थे उसमें वो डिप्टी गवर्नर थे, उसमें एक्चुअली गवर्नर वो नहीं थे, यानी 2014 के पहले ही इस कमेटी का गठन कर दिया गया था आरबीआई के थ्रू कि इसको देखा जाए मॉनेटरी पॉलिसी कैसे रेगुलेट होना चाहिए। तो उर्जित पटेल साहब ने
2014 में रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट को कि एक एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, और फाइनली 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट कर दिया, इस मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी रिकमेंडेशन था उस पर सहमत होके रिस्टार्ट कर दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो जनरली क्वेश्चन यहाँ पे दो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके पीसीएस में खास करके इस तरह से फैक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसकी कमेटी से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो उर्जित पटेल कमेटी से 2014 में रिकमेंडेशन दिया और 16 में हुआ इसका एस्टेब्लिशमेंट, 2016 से फंक्शन करने लगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप यूपीएससी में चले जाओगे तो वहाँ पे जनरली इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा सा डीप जाके कि क्या उर्जित पटेल के पहले भी ऐसा कोई रिकमेंडेशन आया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेके, तो हाँ ऐसे बहुत सारे कमेटी पहले भी बनी थी, उन्होंने भी इसकी सिफारिश की थी, लेकिन फाइनली ये जो है इस्टेब्लिशमेंट इसका उर्जित पटेल जो फाइनल रिकमेंडेशन 2014 में दिए उसके आधार पर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली स्टेट पीसीएस जो है ना फैक्ट पूछते हैं, और यूपीएससी आप देखोगे हमेशा थोड़ा सा डीप जाएंगे, तो इसलिए आपको इस तरह का नॉलेज रखना है, थोड़ा सा पहले वाला और थोड़ा सा आगे वाला। अच्छा, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस यहाँ पे बना है, किस सेक्शन के अंडर में इसका जानकारी मिलता है एमपीसी के जो एस्टेब्लिशमेंट का, तो आप ये सेक्शन थोड़ा सा एक दो बार देख लेना, वीडियो याद रहेगा कि 45ZB जो सेक्शन है आरबी एक्ट का जो अमेंडेट किया गया है 1934 वाला, उसमें सेक्शन 45ZB जो है इसमें एमपीसी की चर्चा की गई है, ठीक है, इसको कैसे रेगुलेट करना है। उसके बाद फिर आपको पहला पैराग्राफ क्लियर हो गया है कि इस कमेटी का डिसाइड जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ फर्स्ट प्रपोज बाई उर्जित पटेल कमेटी जो था उसके आधार पर सेटअप करने की जो इनिशिएशन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जो कि 2016 में फंक्शन करने लगा। उसके बाद पहला जो एक्चुअली जो रिकमेंडेशन था है ना उर्जित पटेल साहब का, उन्होंने एक्चुअली 5 मेंबर एमपीसी का बोला था कि इसमें 5 मेंबर होना चाहिए, आरबीआई की तरफ से 3 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2 नॉमिनेट होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने भी इस पर थोड़ा सा सोच विचार किया, गवर्नमेंट ने भी प्रपोज किया कि नहीं इसमें 7 मेंबर होना चाहिए, 3 आरबीआई से होना चाहिए और 4 हम नॉमिनेट करेंगे जो कि नॉन आरबीआई मेंबर होंगे। लेकिन फाइनली दोनों में नेगोशिएशन हो के और ये फाइनली ये हुआ कि नहीं 6 मेंबर्स का कमेटी होगा, 3 आरबीआई की तरफ से रहेंगे और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहेंगे जो कि नॉमिनेटेड रहेंगे, और ये 3 जो गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से नॉमिनेटेड रहेंगे उनका टर्म्स 4 इयर्स टर्म्स का होगा, ये थोड़ा सा आप याद रखें। फिर से यहाँ प्री टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि जो मेंबर जो नॉमिनेट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में उनका कार्यकाल कितना होता है, उनके टर्म्स कितने होते हैं, तो उनका टर्म जो होता है 4 ईयर का होता है, याद रखना, ठीक ना। प्लस ये भी याद रखना कि वो जो मेंबर नॉमिनेट होते हैं वो दोबारा से नॉमिनेशन उनका नहीं हो सकता, दोबारा रीअपॉइंट सेम चीज़ के लिए वो नहीं हो सकते हैं, मतलब एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कोई भी मेंबर इन अ लाइफ वंस नॉमिनेट होगा, ठीक है, और 4 साल के लिए मैक्सिमम होगा, या गवर्नमेंट कोई ऐसे ऑर्डर दे देती है पहले कि नहीं इनके जगह पे इनको किया जाए या उनको वहाँ से निकाला जाए, तो वो भी हो सकता है। तो दोनों में जो हो 4 साल या एनी ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देख लो ये प्रेजेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो कंपोजिशन है वो ये है स्ट्रक्चर इसका। पहला गवर्नर ऑफ आरबीआई चेयरपर्सन है ना। अच्छा एक चीज यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना एक्स ऑफिशियो, जनरली आपको टर्म्स देखने को मिलेंगे खास करके पॉलिटी जब आप पढ़ते हो ना तो उसमें बहुत जगह पे मिलेंगे कि वो एक्स ऑफिशियो, जैसे जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं ना वो क्या होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपर हाउस। एक्स ऑफिशियो कहने का मतलब ही होता है कि बाय डिफॉल्ट उस पोजीशन पे जो भी रहेगा
ये वाला पोस्ट उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो, गवर्नर ऑफ आरबीआई जो भी रहेगा वही इस मॉनेटरी पॉलिसी का चेयरपर्सन होगा। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब समझ गए, बाय डिफॉल्ट माने जो भी वहाँ पे चेयरपर्सन रहेगा, जो भी गवर्नर रहेगा आरबीआई का, वही एक्स ऑफिशियो बाय डिफॉल्ट चेयरपर्सन हो जाएगा इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। उसी तरह से डिप्टी गवर्नर जो रहेगा आरबीआई का, वो क्या हो जाएगा, वो भी मेंबर रहेगा इसका। उसके बाद एक ऑफिसर जिसको नॉमिनेट करेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड क्या होता है ये थोड़ा सा हम समझाते। सेंट्रल बोर्ड जो है ना, सेंट्रल बोर्ड आरबीआई के अंदर भी एक बोर्ड होता है, उन उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं एक स्लाइड यहाँ पे रखा हूँ आपके लिए। ये भी सेंट्रल बोर्ड जो है ना, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे देख लेंगे 12 मेंबर हैं। ये हमने एकदम आरबीआई के ऑथेंटिक साइड से लिया, ऐसा नहीं कि आपको इधर उधर से हम दे रहे हैं। उसमें आप जाके देखना, तो अब भी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कमेटी है, जो एक बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड सेंट्रल बोर्ड बोल रहे हैं इसको, उसमें 12 लोग यहाँ पे हैं। शशिकांत दास देखो गवर्नर वहाँ पे हैं, फिर डिप्टी गवर्नर है, और कोई डिप्टी गवर्नर है, फिर और डिप्टी गवर्नर्स नीचे आपको दिख रहे हैं, फिर कुछ नाम दिख रहे हैं। तो ये क्या है, अच्छा ये अपॉइंट या नॉमिनेट भी किसके थ्रू होते हैं, फिर वही आरबीआई का एक्ट जो है 1934 जो आरबीआई को रेगुलेट करे, वहीं पे कहीं ना कहीं सेंट्रल बोर्ड कैसे बनेगा उसका जिक्र होगा, और उसके थ्रू ये नाम आए हैं। तो ये जो बोर्ड है, ये जो सेंट्रल बोर्ड है, ये बोर्ड जो तीसरा पर्सन आप देख रहे हो, वन ऑफिसर ऑफ द आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, वो इस मॉनेटरी पॉलिसी का मेंबर होगा, है ना। तो तीन तो आप देख लिए आरबीआई से, तीन जो इधर देख रहे हैं वो मेंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, वो मेंबर आ रहे हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेट होकर। द गौर देखिए बीच वाला पैराग्राफ पढ़िए, उसमें देखिए कि गवर्नमेंट नॉमिनी वन मिनट, द गवर्नमेंट नॉमिनेज टू एमपीसी, मतलब गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट कर रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर को बाय ए सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, मतलब एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बना देती है गवर्नमेंट, जो सर्च करती है और सेलेक्ट करती है एमिनेंट पर्सनालिटी को जो कि इकोनॉमी के क्षेत्र में है अपनी कंट्री में, 4 साल के लोगों को इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर बनाती है। और ये जो कमेटी रहती है अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उसके अंडर में रहती है, उसके बाद आप देखेंगे। हाँ, तो गवर्नमेंट नॉमिनेट टू एमपीसी विल बी सिलेक्टेड बाय ए सर्च कम सिलेक्शन कमेटी अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी विथ गवर्नर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी 3 एक्सपर्ट इन फील्ड इकोनॉमी, मतलब कहने का मतलब जो कमेटी है ना उसमें जो मेंबर्स होंगे उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर में तो रहेंगे ही, और उसमें जो मेंबर्स रहते हैं अगेन आरबीआई के गवर्नर इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी रहेंगे, 3 एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ इकोनॉमी रहेंगे, जो कि सिलेक्ट करेंगे, जो सर्च करेंगे, है ना। मतलब सोचो जो सर्च करने वाले भी हैं वो भी एक्सपर्ट है बैंकिंग फाइनेंस मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, एट इट्स मेंबर। तो ये सब मेंबर रहेंगे सर्च सेलेक्ट कमेटी के, वहाँ से नॉमिनेट करके लाएंगे ये अगेन उसी एरिया से, ये तीन पर्सन को जो अभी आप देख रहे हैं शशांक भिंदे, है ना, ये भिंदे जो है सीनियर एडवाइजर है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी, ये करेंट हैं, ये जनरली 4 साल के बाद चेंज हो जाते हैं, तो इनको आप याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये रखो कि तीन जो है ना वो नॉमिनेट होते हैं गवर्नमेंट से, तीन आरबीआई से रहते हैं, आरबीआई का जो गवर्नर रहता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही हो जाता है, है ना। और जो उनका डिप्टी गवर्नर जो होता है वो इंचार्ज होता है उस मॉनेटरी पॉलिसी का, ना इंचार्ज होता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में नोट में लिखा है कि जो वही चीज लिख दिया मैंने कि ये थोड़ा सा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पे बन सकते हैं, कभी कभी आपसे पूछ दिए जा सकते हैं, क्योंकि लोग बायपास या उतना ध्यान नहीं दे पाते होंगे कि उनका जो टर्म्स रहेगा ऑफिस होल्ड करने का, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो उनका
पीरियड रहेगा वो 4 साल के लिए रहेगा, अनटिल फर्दर ऑर्डर भी चेवारी जा लिया, मैंने कोई ऑर्डर आ जाता है गवर्नमेंट से कि नहीं इनको हटाया जाए, ऐसे दूसरे को रखा जाए, कोई ऐसा हो गया तो उसमें जो पहले हो जाए, 4 साल जनरली इनका टर्म रखा गया। उसके बाद आप ये देखो कि उनका रीअपॉइंटमेंट, एक बार वो अपॉइंट हो गए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में तो दूसरा बार नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ में मैंने कोरम की बात की है कि जब भी मीटिंग हो, कोरम मतलब होता है ना, आप ये वर्ड फिर पॉलिटी में भी सुनोगे कि जो भी मीटिंग वीटिंग होती है ना तो उसमें कोरम वर्ड आता है। कोरम वर्ड का मतलब है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, मान लो कि 6 लोगों का ग्रुप है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, तो यहाँ पे कोरम फॉर मीटिंग जो है 4 है, मतलब 4 मेंबर होने चाहिए, ओके। और हर मेंबर को एक वोट का अधिकार है, और यदि कभी टाई हो जाता है, मान लो कि उसमें 2 लोग 5 लोग आए और 2 मेंबर ने दे दिया एक तरफ वोट और दूसरे वो दो और जो मेंबर हैं वो वोट दे दिए, मतलब एक एक दो दे दिए अगेंस्ट में, एक 2 पर्सन है जो कि फेवर में दे दिए, मतलब 4 वोट में 2 पड़ गए अगेंस्ट में, 2 फेवर में, तो टाई हो गया। टाई के केस में गवर्नर ऑफ आरबीआई कहने का मतलब जो चेयर पर्सन होगा इस मॉनेटरी पॉलिसी को, उनको कास्टिंग वोट दिया जाए, देने का अधिकार है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। उसके बाद इनका जो मेन रोल है मॉनेटरी पॉलिसी का हम बता दिए कि इसका इनिशिएटिव जो है क्या है, रिजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी रखना, ज़्यादा सामान महंगा ना हो जाए, ज़्यादा सस्ता ना हो जाए, और वो बता दिए हैं कि वो जो फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, वो आप नीचे वाला पैराग्राफ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में आएगी और ये हमेशा आपको याद रखना, जब तक एग्जाम दोगे 2026 तक, जब तक कि नया नोटिफिकेशन कोई ना आ जाए, ठीक है। तो 2026 तक ये फिक्स कर दिया गया है कि जो इन्फ्लेशन रेट रहेगा 4% के इर्द गिर्द रहना चाहिए, है ना, मतलब कि उसमें प्लस माइनस 2% हो सकता है, या तो 6% हो जाए या घट के 2% तक आ जाए, लेकिन 4% के आसपास ही होना चाहिए, 2% से नीचे ना होना चाहिए और 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर कमिंग 5 ईयर्स 1 अप्रैल 2021 से मार्च 31 2026 तक इसको सेम रखने के लिए डिसाइड किया है सेंटर को, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रोल है फिर से यहाँ पे बताने की कोशिश हम किए हैं कि ये क्या करता है, इंटरेस्ट रेट के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मनी सप्लाई को स्टेबल करने के लिए कोशिश करता है। तो ये चीज़ आप ना, इसकी जो फंक्शन है एक्चुअली ये कैसे काम करता है, ये अगले वाले वीडियो में आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे जब हम आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये CRR, SLR ये सब बताएंगे, तो ठीक है। अभी आप सिंपली ये समझ के रखो कि ये इन्फ्लेशन को, महंगाई को 4% के आसपास रहने के लिए जो भी रेट्स हैं उसको फिक्स करती है ना, एकदम सबसे पहला स्लाइड में हम आपको दिखाए थे कि इनका मेन काम क्या है, फिक्स द बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट यानी रेपो रेट। आप आगे जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि रेपो रेट जो RBI का होता है ना, ये मेन पॉलिसी रेट इसको बोला जाता है। इस पॉलिसी रेट कहने का मतलब भी यदि कोई आपसे पूछेगा या आप समझ जाना, UPSC लेवल्स में जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ये चीज़ आप इकोनॉमी जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, पॉलिसी रेट का मतलब रेपो रेट कह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उसको फिक्स करने का काम करता है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो भी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है RBI का, ठीक है। तो इसमें हम यही चीज़ बताने की कोशिश की, इसको वर्ड्स में लिख दिए गए हैं, गवर्नमेंट इंडिया सेट इन्फ्लेशन टारगेट फॉर एवरी 5 ईयर, जैसे 2016 में जब पहला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी उसने भी सेट किया था कि इसको जो है 4% के आसपास रखना है, प्लस माइनस 2% हो सकता है इधर उधर, और इसको अगेन एक जो मार्च में है उसको फिर से बोला गया है ना, 31 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया था कि जो अगले 5 साल होंगे, क्योंकि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इस ये फिक्स करती है इस इन्फ्लेशन टारगेट को,
कितने दिनों के लिए, 5 सालों के लिए, है ना। 5 साल में हमेशा एक बार फिर रिव्यू किया जाता है, फिर अगले कमिंग 5 साल के लिए फिट किया जाता है कि इसको कितना रखना चाहिए, इन्फ्लेशन टारगेट एक्चुअली कितना होना चाहिए कंट्री में, है ना। तो इसको 4% प्लस माइनस 2 माने 2% से नीचे ना जाए और 6% से ऊपर ना जाए, इसको बरकरार रखा गया है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में हम बताए थे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, तीसरा जो पर्सन था आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मेंबर बन रहा था, उसको ये लोग अपॉइंट करते हैं, मतलब नॉमिनेट करते हैं। अभी जो करंट सिनारियो है उनके, अब देख लो कौन है कौन है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि चेयरपर्सन मॉनिटरी कमेटी, माइकल पात्रा डिप्टी गवर्नर आरबीआई के, ई एज ए इंचार्ज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होंगे, मेंबर्स हैं, है ना। मृदुल सागर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के, तो ये 3 पर्सन जो हो गए वो तो आरबीआई से हो गए। इधर 3 जो हैं इनको वो जो सिलेक्शन सर्च कमेटी जो बताया थे, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में काम करके आरबीआई के साथ और जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मेंबर्स वगैरह होते हैं उनके साथ मिल के जो नॉमिनेट करती है, तो यही 3 पर्सन को अभी नॉमिनेट किया गया है। इनका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस समझो इनका कंपोजिशन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना उसमें कौन मेंबर्स होते हैं, तो याद रखना है कि 3 आरबीआई से 3 गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, आरबीआई के गवर्नर उसके चेयरपर्सन होते हैं। अब थोड़ा सा एक बात और बता दें आपको कि बिफोर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऐसा भी कोई पहले कमेटी थी जो इन्फ्लेशन वगैरह को देखती रहती थी, ऐसा कुछ जो रेट वगैरह तय करती थी, तो हाँ था, लेकिन वो मॉनेटरी पॉलिसी जैसा नहीं था जैसे कि जो पहले था 2016 के पहले था ना, वो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी, वो मॉनेटरी पॉलिसी पे काम करते थे, है ना। वो लोग भी एक्सपर्ट ही होते थे इकोनॉमिक्स में, सेंट्रल बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट में, है ना, लेकिन वहाँ पे इनका रोल जो होता था, ये जो रिकमेंड करते थे, ये जो कमेटी होती थी, इनका जो रिकमेंडेशन था वो जस्ट एज एडवाइजरी था। एडवाइजरी वर्ड कहने का मतलब है कि ये बाइंडिंग नहीं, बाइंडिंग नेचर में नहीं था, मतलब ये जो रिकमेंड किया ऐसा नहीं कि करना ही करना है गवर्नमेंट को, है ना, मानना ही मानना है। लेकिन अब जो एमपीसी है ना उसमें कहीं ना कहीं से इसको फिक्स किया गया है, जो 3 लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट होते हैं उनको वोटिंग राइट दिया गया है और वोट करेंगे। यदि इन लोग का पलरा भारी होगा तो इसका मतलब इनकी बात को मानना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हालांकि जिसके चेयरपर्सन अभी भी गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं जिनको कास्टिंग वोट दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एडवाइजरी था उससे कहीं ना कहीं एक कदम आगे गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना के की है कि हाँ कहीं ना कहीं आरबीआई का जो वहाँ पे दबदबा है उससे हटके जो और जो बाहर के लोग जो आरबीआई में नहीं काम कर रहे हैं लेकिन बाहर में जो चल रहा है इन्फ्लेशन जो चल रहा है उससे जानकारी रखते हैं और वो इकोनॉमी में अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट करके उनकी जो सजेशंस हैं, उनके जो रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश एमपीसी के थ्रू किया गया, ठीक है। तो पहले आप ये थोड़ा सा याद रखना कि इसके पहले भी एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती थी, लेकिन वो एडवाइजरी नेचर था, बस आप इतना याद रखो। ये देखो मैंने एक 2009 का डेट का जो है ना जून का एक प्रेस रिलीज आरबीआई के साइड पे भी पड़ा हुआ, तो उससे दिखाया कि पहले जो काम करती थी ना टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी उसमें कैसे, तो उसमें सेम उसमें भी आरबीआई के गवर्नर होते थे, वाइस चेयरमैन उसमें मेंबर्स होते थे, उसके बाद डिप्टी गवर्नर्स होते थे, 2 मेंबर्स कमेटी, वही फिर सेंट्रल बोर्ड जो आरबीआई का था उससे होते थे 2 मेंबर, अभी 1 मेंबर आते हैं, उसमें 2 मेंबर वहाँ से नॉमिनेट किए जाते थे। उसके बाद एक्सटर्नल मेंबर्स होते थे बहुत सारे, एमनेस जो आपके रिप्यूटेड कॉलेज वगैरह रिसर्च सेंटर वहाँ से आते थे, उसके बाद और सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मॉनेटरी पॉलिसी रिसर्च ऑफ इंडिया, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से लोग आते थे इसमें, फाइनली ये एडवाइजरी इन नेचर होता था। तो कहने का मतलब ये जो बोलते थे बोल दो भैया, मानना ना मानना वो आरबीआई के ऊपर है, लेकिन अब भी ऐसा नहीं है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 मेंबर आरबीआई के हैं, तो 3 गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेट हैं और जिनमें वोटिंग सिस्टम है, यदि
वोट जिधर ज़्यादा होगा वो डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना कि 2016 के पहले तो थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टाइप का कुछ, जिसको टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी, लेकिन वो एडवाइजरी इन नेचर था, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा स्लाइड हम ना IMF की साइड से लिए हुए हैं कि ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है, आप आगे चल के देखेंगे, बहुत स्ट्रांग एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जैसे यहाँ पे सेंट्रल बैंक आपका काम कर रहा है, कहीं ना कहीं IMF भी एज ए सेंट्रल बैंक पूरे वर्ल्ड में काम करती है, कुछ ना कुछ सेम ही उनका भी काम है। तो उनके साइड पे पढ़ा हुआ था कि कोई कमेटी जो है ना, जो पॉलिसी मीट करती, तो किस इसी तरह से करती कि सेंट्रल बैंक का जो स्टाफ है वो एनालिसिस करता है, उसके पास कुछ पब्लिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, फिर इंडिविजुअल जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लेकर आ गए वो लोग का इनपुट लेके कमेटी बनती है, जो बीच में आप देख रहे हो वो मान लो कि MPC है। सेम हम इमेजिन करने की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे MPC काम करती है। तो 3 मेंबर्स उधर से गए, 3 मेंबर इंडिविजुअल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लेके, मतलब गवर्नमेंट नॉमिनेटेड है, वो लोग कुछ कंपाइल करेंगे डिसीजन, मीटिंग रूल वगैरह करके, वो डिसीजन के ऊपर वोट्स होगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट करके रिपोर्ट तैयार करेंगे और वही हमारे न्यूज में बाई मंथली जो वो लोग करते हैं उसमें आउटकम्स में आपके आ जाएंगे, चाहे आप द हिंदू में आप देखने को मिलेगा, या प्रिंट मीडिया या विजुअल मीडिया, जहाँ पे आप जो सुनते हैं, जो इम्प्लीमेंट किया जाता है। फाइनली इसी तरह से काम करता है कोई भी कमेटी, ठीक है। अब जो है RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करती है वो कैसे करती है, कौन कौन से टूल्स वो अपनाती है, तो उसके दो टूल्स हैं एक्चुअली, जो इंस्ट्रूमेंट बोला गया है जहाँ से मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल होती है कि महंगाई ऊपर करना है कि नीचे करना है। वो जो लिक्विडिटी फ्लो है, यानी इकोनॉमी में जो रुपया का फ्लो है ना, जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे घटाना बढ़ाना है, इकोनॉमी का जो एक्चुअली सस्टेनेबल ग्रोथ जो है उसको रेगुलेट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास, उसके बारे में यहाँ पे हम जस्ट आपको दिखा दिए हैं कि बैंक रेट इनडायरेक्ट में ये सब, बैंक रेट, MSF, रेपो रेट, रिजर्व, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आपके कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR और CRR। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, आज जस्ट आप यहीं तक लिमिट रखो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, एक बार फिर से हम ओवरव्यू करा देते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है 6 मेंबर्स का होता है, 3 गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, 3 RBI की तरफ से होते हैं। RBI के जो गवर्नर होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। उर्जित पटेल की जो कमेटी थी 2014 में रिकमेंडेशन दी थी, उसके आधार पे इसका गठन किया गया। वो गठन किसके अंडर में, अंडर सेक्शन 45ZV जो RBI का एक्ट अमेंड किया गया, वो RBI का जो मेन एक्ट है 1934 वाला, उसके अंडर में ये बनी हुई है। उसके बाद इसमें फाइनली जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 4 साल का होता है, ठीक है, और इनको कभी दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता जो नॉमिनेटेड पर्सन होंगे, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेंटेन करना, ठीक है। 2026 के 31 मार्च तक सेंटर ने डिसाइड किया है कि इन्फ्लेशन रेट को 4% के आसपास प्लस माइनस 2% इधर उधर करके हमको मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये तो चेंज होते रहेंगे, ये स्टैटिक क्वेश्चन तो ये होगा नहीं, तो जिसमें आपका एग्जाम आएंगे उसमें आप देख लेना कि उसके जो चेयरपर्सन है वो गवर्नर कौन है RBI के, बस इतना और तो कुछ पूछेगा नहीं, नीचे के मेंबर्स के बारे में आपको कहीं भी पूछा नहीं जाएगा। बिफोर MPC टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी, वो एडवाइजरी नेचर था। उसके बाद टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थोड़ा ये जानने की जरूरत है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए वाला स्लाइड रखा था कि पहले इस तरह से काम होती थी जिसमें जस्ट RBI के मेंबर्स रहते हैं, कुछ नॉमिनेटेड पर्सन भी होते थे, लेकिन फाइनली उनका जो रिकमेंडेशन रहता था वो एडवाइजरी था, जो कि अभी एडवाइजरी ना होके उनको एक वैल्यू दिया गया है, सबको एक एक वोट का राइट दिया गया है ना। ये IMF का था, बाकी ये जो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, बाय।
तो चलो हम आज के वीडियो को ना यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।